महात्मा गांधी के जीवन में चंपारण एक ऐसा अध्याय था जिसने उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बना दिया। वो गांधी जी का स्पर्श ही था जिसने अंग्रेजों द्वारा कुचले गए चंपारण को धधकता शोला बना दिया। ये सब क्या था और कैसे संभव हुआ, जानेंगे अपने स्पेशल प्रोग्राम चंपारण गांधी का। आज से 100 साल पूर्व बिहार के चंपारण में हो रहे अंग्रेजों के अत्याचार ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दी और आजादी के एक महानायक से अवगत कराया। ये वो दौर था जब नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजी जुल्मों का शिकार होना पड़ रहा था। देश की जनता एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश में थी जो सहज ही उनको इससे निजात दिला सके। इसी दौरान गांधी जी का भारत आगमन हुआ। उनके पास सत्य और अहिंसा जैसे दो ताकतवर हथियार थे। नील किसानों के लिए संघर्ष करने वाले राजकुमार शुक्ल को गांधी जी के इन्हीं दो सिद्धांतों में अंग्रेजी जुल्म से लड़ने का मार्ग दिखाई दिया। इसलिए राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को बिहार आए। गांधी जी के यहाँ आने का उद्देश्य चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझना और उनका निदान करना था, ना कि कोई आंदोलन खड़ा करना। चंपारण किसानों की बदहाली और गांव की दुर्दशा की जीवंत कहानी कि चंपारण्य, यहाँ चंपा का ही बन था, उसके नाम से ही ये दृष्टिगोचर हो रहा है। चंपारण वह जगह है, बापू के चंपारण और उस समय की घटना को संदर्भित करके अगर कहें तो चंपारण वह जगह है जहाँ की जमीन बहुत ही अच्छी उपजाऊ रही है भी, और उस समय अंग्रेजों के ज़माने में वहाँ नील की खेती कराई जाती थी, इंडिगो की, और उसमें तीन कठिया प्रथा थी। एक बीघा जमीन 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जो स्थानीय जमीन का पैमाना है उसमें नील की खेती, इंडिगो को की खेती किसान को करना अनिवार्य होता था। और नील की खेती कमज़ोर भूमि में नहीं होती थी, जो सबसे अच्छी भूमि थी, अच्छी जमीन थी, उस जमीन में ही नील की खेती होती थी। और ये दमन का एक आधार भी बना, किसान को मन मार के भी ये खेती करनी पड़ती थी। और वहाँ पर अलग अलग नीलहा कोठी है जहाँ किसान से जो ये उपज होता था, ये नील का, वो प्रोसेस करते थे, उसका प्रसंस्करण करते थे। और नील का उपयोग वस्त्र उद्योग में बड़ा होता था। गांधी 10 अप्रैल को पटना आए, जिसकी ये शताब्दी वर्ष जो 1917 का 10 अप्रैल पटना आने का, और तब उसके बाद 11 से उनकी यात्रा गंगा पार, और फिर तिरहुत कमिश्नरी का तब मुख्यालय मुजफ्फरपुर था, वहाँ से वो फिर आज का जो पूर्वी चंपारण है, उस समय तो एक ही चंपारण था, मोतिहारी जाते हैं, बितिया जाते हैं, फिर भितियारवा के आश्रम की स्थापना होती है। तो गांधी का एक वाक्य में अगर हम ये कहें कि चंपारण उनका एक घर हो गया, एक परिवार हो गया, चंपारण के गांधी हो गए, गांधी चंपारण का हो गया। राजकुमार शुक्ल बार बार गांधी जी से मिलने जाते और आग्रह करते कि कृपा करके आप एक बार चंपारण चलिए। उनकी ये लगन देखकर ही गांधी जी चंपारण आने के लिए तैयार हुए। गांधी जी ना तो चंपारण के बारे में कुछ जानते थे और ना ही नील की खेती के बारे में, सिर्फ राजकुमार शुक्ल के कहने पर वो चंपारण आने के लिए तैयार हुए। इस शोषण के विरुद्ध किसान एकजुट होते गए, उसमें पंडित राजकुमार शुक्ल जी की बड़ी भूमिका रही कि उन्होंने उसको भोगा और भोग के चुप नहीं रहे, उस पीड़ा को लेके जो उनके मन में दर्द था, तो उनको लगा कि हम हजारों किसान, लाखों किसान जो हमारे क्षेत्र के हैं उनको संगठित करके इससे हम उनको कैसे उद्धार करें, उनका उद्धार कैसे करें। फिर उपयुक्त व्यक्ति की तलाश थी, तो उसमें उन्होंने गांधी की खोज की।
इसके लिए वो कई जगह गए, कलकत्ता गए, कानपुर अधिवेशन, लखनऊ, कई जगह गांधी से मिलने गए। जब गांधी बुलाए तब वो गए, खड़े मिले और उनके इस जिजीविषा को देख के, उनके इस लगन को देख के गांधी को बाध्य होना पड़ा और गांधी 10 अप्रैल को पटना आए। यहाँ आकर उन्होंने लड़ाई शुरू की गुलामी की मानसिकता से। वो दिन रात किसानों को उनकी दुर्दशा का एहसास कराते और उन्हें इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते। बिहार के पहले दर्जे के वकीलों की फौज भी उनके साथ आ जुटी। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सभी गांधी जी के करीब आते गए और उनके विचारों से काफी प्रभावित भी हुए। गांधी वहां जाते हैं, गांधी पहले तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो बहुत कम एक दो दिन सोच के गए थे। और जब गांधी गए तो गांधी रमे वहाँ की परिस्थिति को देख के। और पहला 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण का है। गांधी जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं। एक वकील की दृष्टि गांधी की रही और वकील के बाद एक रचनात्मक काम, चूँकि साउथ अफ्रीका का उनका अनुभव था, उस अनुभव को लेते हुए जब यहाँ गांधी आते हैं तो पहले तो उससे जुड़े जितने पक्ष थे, राजकुमार शुक्ला जी से जो उनको जानकारी मिलती है, तो वहाँ के जितने वरिष्ठतम वकील थे उनके साथ वो मिलते हैं। ब्रजकिशोर बाबू बहुत बड़े नामी वकील थे, राजेंद्र बाबू बहुत नामी वकील थे, रामनवमी बाबू बहुत बड़े वकील थे। इस तरह से तमाम ऐसे, ये तो मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, उन सब के साथ मिलना जुलना होता है उनका। वहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं और उसके साथ साथ इसके बाद ये तय करते हैं कि हम किसानों के साथ संवाद करेंगे, उनका उनकी हालात उनके मुँह से सुनेंगे और उसकी पूरी जानकारी जो उनसे प्राप्त होगी उसका दस्तावेज तैयार करेंगे। मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है उसको लिपिबद्ध करेंगे। और ये हजारों किसान के साथ, ये जो देश के नामी हमारे राज्य के ही नहीं देश के बड़े वकील थे, ये सब इस काम में लगे और उन्होंने पूरी तरह से सारी कहानी को इकट्ठा किया, उसको जांचा एक वकील की नज़र से। फिर उतना ही नहीं, निलहे के साथ भी उन्होंने संवाद किया, पदाधिकारियों के साथ संवाद किया और किसी पक्ष को नहीं छोड़ा। ये पक्ष है और ये विपक्ष है, इस भाव को गांधी अलग नहीं किए। तो जो भी वो तय करते थे उसकी जानकारी वहाँ के पदाधिकारियों को भी देते थे, पत्र भेजते थे, बड़े से बड़े पदाधिकारी को पत्र भेजते थे, मतलब कोई गोपनीय नहीं रखे। उसी तरह से जो नीलहा की कोठी वाले, जहाँ प्रोसेस होता था नील का, जो शोषण के प्रतीक थे, उनको भी ये पता था कि गांधी नाम का एक आदमी आया है, वो किसानों से मिल रहा है, बैठ रहा है, ये कर रहा है, तो उनके साथ का भी संवाद था, उनकी बात भी ये सुनते थे। गांधी जी को पता था कि इस तरह के काम के लिए साउथ अफ्रीका की तरह ही यहाँ भी उन्हें गिरफ्तार जरूर किया जाएगा और वही हुआ। दरअसल गांधी जी एक परिवार पर अत्याचार की खबर सुनकर हाथी पर सवार होकर उसे देखने जसवलपट्टी गांव जा रहे थे। तभी रास्ते में अंग्रेज अधिकारी का बुलावा आया। गांधी जब जा रहे हैं हाथी पर उस दिन, और उसके बाद सरकारी महकमे के लोग आते हैं और कहते हैं कि आपको सलाम भेजा गया है, तो गांधी ये समझ लेते हैं कि पुलिस कप्तान का सलाम क्या होता है, वो आते हैं। ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट है, यही पूरे परिवर्तन की कहानी शुरू होती है और यही गांधी है। और इसी चीज़ को हमारी पीढ़ी को और नई पीढ़ी को मंथन की ज़रूरत है कि गांधी सीधा कहते हैं, आप बुलाए हो, हम तो जा रहे थे अपने रास्ते, आप बुलाए हो, सलाम भेजे हो, और वो जो संवाद होता है उनका उस समय पुलिस कप्तान के द्वारा संबदिया से, तो उस भाव को समझ के वो साफ कहते हैं कि आपके कानून के हिसाब से जो आपको लगता है मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। यही तो सत्य का प्रयोग है, सत्य का प्रयोग यही है। और आक्रोशित हो सकते थे,
हिंसक हो सकता था, माहौल हिंसक हो सकता था, लेकिन गांधी का जो सत्य का जो प्रयोग है वो ये शुरू चंपारण की धरती पर, ये बिल्कुल शुरू यहाँ से होता है। आम जनमानस यहाँ किस तरह से देखती है, सरकारी महकमा किस तरह से देखता है, निलहे किस तरह से देखते हैं, वह उस दिन के कचहरी की घटना है। वह पूरे चंपारण के लिए, पूरे भारतीय परिदृश्य ने, देश और दुनिया के लिए टर्निंग पॉइंट है गांधी का वह कदम। इस आंदोलन का दूरगामी प्रभाव ये हुआ कि इस क्षेत्र में विकास की प्रारंभिक पहल हुई, जिसके तहत कई पाठशाला, चिकित्सालय, खादी संस्था और आश्रम स्थापित किए गए। चंपारण सत्याग्रह से ही आमजनों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सहज हथियार मिला, जिसका नाम था सत्याग्रह। गांधी का पूरा, अगर साउथ अफ्रीका को हम देखें, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्य के प्रयोग किए हैं। उनका जो भी आंदोलन रहा है वह अहिंसक आंदोलन रहा है। उस पूरी पृष्ठभूमि को जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया, उस प्रयोग को यहाँ उन्होंने दोहराया और उसका परिणाम ये हुआ कि सप्ताह नहीं लगा कि निर्णय सत्य की तरफ गया। ये बड़ी उपलब्धि रही है। मुझे लगता है कि गांधी का जो एक काम था, सफलता मिली। सफलता के बाद आप देखें कि वे वहाँ पर भितियरवा आश्रम बनाते हैं, कस्तूरबा आती हैं, वहाँ के गांव से समरस हो जाती हैं, शिक्षा का काम होता है। तब तक स्वास्थ्य की बहुत बुरी स्थिति थी तो स्वास्थ्य पर काम होता है, सफाई की बहुत बुरी स्थिति थी तो उस सफाई के इसमें पड़ जाते हैं, और फिर अपने कार्यकर्ताओं को देश भर में जो उनके साथ जुड़े लोग थे, सक्षम ऐसे साथी थे, तो उनको लाते हैं और निलहे के आतंक से तिनकठिया प्रथा की न केवल मुक्ति हुई, वह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक नींव पड़ी। असहयोग क्या होता है इसकी एक नींव पड़ी। अहिंसक क्रांति का एक बीज वहाँ उगा और भारतीय परिस्थिति में जो हम क्रांति की अवधारणा पर आज चर्चा करते हैं, उसकी पहली पाठशाला अगर कोई है तो वह चंपारण है। इस तरह से हम सब चंपारण को देखते हैं। गांधी ने 5 आश्रम बनाया है, जिसमें यहाँ की स्थिति में ये जो आश्रम है वो सब आश्रम है। 2 आश्रम उनके फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म विदेश में रहे। तो गांधी जिस काम के लेके आए थे उसका एक चरण पूरा हो गया था, इसके बाद गांधी वहाँ से बाहर जाते हैं, लेकिन वो लगाव बना रहा। फिर गांधी केवल उतना ही नहीं है, फिर उसके बाद आते जाते रहे हैं। 34 में गांधी आए, ग्रामोद्योग का काम शुरू किए, बुनियादी तालीम का काम शुरू किए, खादी का काम शुरू किए, ग्रामोद्योग का काम, ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लगी है वृंदावन में। तो इस तरह से उनका लगाव रहा, लेकिन फिर वो एक ही जगह जड़ होके नहीं रहे। चंपारण सत्याग्रह न सिर्फ भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खुली चुनौती दी थी। साल 2017 चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है। महात्मा गांधी जी के पहले सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर पटना में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह 1 साल तक चलेगा और अप्रैल 2018 में इसका समापन होगा। चंपारण सत्याग्रह की घटना इतिहास हो चली है, लेकिन इतिहास बीतता नहीं है, नए रूप और संदर्भ में बार बार लौटता है और हमें मजबूर करता है कि हम अपनी आंखें खोलें और अपने परिवेश को पहचानें।